वर्ष के गुजर समाज ने आज से 15 वर्ष पहले अपने आप को ST आरक्षण का दर्जा मांगा था। राजस्थान में इतनी सारी मौतें और घायल होने के बावजूद भी आज विभिन्न गुटों में बट गया आंदोलन, मूल मांग से भटक गए। मूल मांग पर समाज को वापस लाने और नए नेतृत्व कमेटी दिल्ली में गठित करने के लिए आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जी, ये जो कमेटी गठित होगी ये कब की जाएगी, कब की घोषणा? जुलाई माह में हम दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और समाज के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर इस मांग पर पुनः चर्चा करके एक नए नेतृत्व का गठन करेंगे। जी, तो नए नेतृत्व की जो बात हो रही, तो क्या इसमें जो बैसला साहब है अब इसके नेतृत्व में नहीं है? जो लोग पार्टियों की वकालत करते हैं वो इस नेतृत्व में सम्मिलित नहीं होंगे। जी, तो अब इसमें जो नई तैयारियां की जा रही, जो आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से है या एक आम डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर? मैं इस आंदोलन का संस्थापक रहा हूं, इसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं। वर्तमान में समाज की बिखरी हुई हालत को देख के इसको पुनर्जागरण के लिए मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत में ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। सर, दूसरी बात यह है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तब ये आरक्षण का दिन बाहर क्यों आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से साथ आप मिलीजुली साजिश करके, जैसे कि आपके पूर्व अध्यक्ष उसकी गोद में जा बैठे हैं बीजेपी में, तो ये कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांत अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग की है कि वो टोंक सवाई माधोपुर में स्वयं घोषणा करके गए थे इसी संसदीय चुनाव में। राज्य सरकार अगर ST की डिमांड करे तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा से भी संघर्ष करेंगे। जी, बड़ा सवाल फिर वही एक बार फिर से कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही गुर्जर आरक्षण याद क्यों आता है, बीजेपी की सरकार में क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार में भी हमारे आंदोलन में बहुत लोगों ने अपनी जान दी है और अपने को बहुत विकलांगता प्राप्त की है। जी, तो अब आगे की रणनीति की अगर बात करें तो आरक्षण का जो ये आंदोलन है ये कब तक चलेगा और लास्ट क्या मुकाम रहेगा? हमारी मूल मांग ST के आरक्षण की थी, अखिल भारतीय गुर्जरों की मांग ST आरक्षण की थी। जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते हम अहिंसक तरीके से राजनीतिक जागरूकता के साथ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जितने भी जो राजनीतिक पार्टियों में जितने भी आपके समाज के नेता हैं अगर वो आरक्षण में आते हैं तो उनका जो कमेटी रहेगी उसकी क्या पहल रहेगी? वो अपनी राजनीतिक पार्टियों में हमारी वकालत करें, हमारी उनसे यही प्रार्थना है।